दोस्तों स्वागत है आपका पंकज फौजी ग्रुप पे। आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम लेके आए हैं आपके पास टॉप 25 क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन होंगे ये। आपको एसएससी जीडी की तैयारी करते हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसएसबी में, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सीआईएसएफ में, किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी करते हो, एसएससी जीडी की तैयारी करते हो, एनटीपीसी रेलवे, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। अपने आप को चेक करने के लिए, आपको अपने आप को देखने के लिए कि यार आप कहाँ पर खड़े हैं, तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इन 25 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के जाइएगा। हमें भी पता चलेगा कि हमारे जो व्यूवर हैं उनका क्या स्कोर चल रहा है, किस तरह से वो अपनी तैयारी करते हैं। आप कहीं ना कहीं से तैयारी कर रहे होंगे तो ये आपके लिए बेस्ट मेथड है आपको अपने आप को एनालाइज करने का। अगर आप कमेंट, शेयर और लाइक करेंगे तो हमें भी मोटिवेट मिलेगा और हम इस तरह की और भी वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो अपने जितने भी ग्रुप हैं उनको ये उनमें ये फॉरवर्ड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी बच्चे जो हैं इसका फायदा उठा सकें। तो दोस्तों मेरा नाम है पंकज चौधरी, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की एसएससी कांस्टेबल जीडी से रिलेटेड एक बहुत अच्छी बुक आई है जो भर्ती 2021 को कवर करती है, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट और 800 3200 प्लस बहुविकल्पीय आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं और वो भी डिस्क्राइब क्वेश्चन होंगे। बहुत अच्छी बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको परचेज कर। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन की गाइड्स और प्रीवियस सोल्ड पेपर भी आते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कुछ इसमें इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, ओनली हम मैथ के क्वेश्चन करें तो मैथ के ही क्वेश्चन पे आप ज्यादा ध्यान देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन है कि ये संख्या दे रखी है, इसका आपको मान बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे और आप 25 में से कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं वो भी आप बता के जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो आपका पूरा जो यहां से यहां तक है उसको हम ए मान लें और ये जो आपके पास है ये आपको बी मान लेते हैं। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 6 7 8 9 5 और बी बराबर कितना हो जाएगा 3 7 8 9 5। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए एक ए है, एक ए ये हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे बटे ये 3000 है। अगर हम इसको 6 7 8 9 5 और बटे 3 7 8 9 5, जब इसमें से इसको हम माइनस करते हैं तो क्या हमारे पास 3000 नहीं आ जाता, बिल्कुल आ जाता है। तो हम 3000 को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, लिख सकते हैं ना कि 6 7 8 9 5 और माइनस के 3 7 8 9 5। अब हमने ए किसको माना है, ए इसको माना है, बी इसको माना है, तो यहाँ पे हमने एज इट रख दिया। अब ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हो गया। नीचे क्या लिख देंगे हम, नीचे हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, बचा क्या a प्लस बी। अब a प्लस बी, a कितना है, a है हमारे पास 6 7 8 9 5 और b कितना है, b है 3 7 8 9 5। इसको अब ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 0 यहाँ से एक 9 9 18 और एक 19 और 8 8 16 और एक 17 7 7 14 और एक 15 और 6 4 10 10000। ये वाला आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 105790। आई थिंक सो आपको समझ आया होगा क्वेश्चन, कमेंट्स करके जरूर बताइए आपका कितने सही जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दो की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है आपके सामने, ये है क्वेश्चन नंबर दो। देखिए ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं। ममता के पास 100 रुपये के 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं, जिनका कुल मूल्य 5000 रुपये है। इनमें से 50 रुपये के नोट कितने हैं, आपको 50 रुपये के नोट के बारे में बताना है। अगर देखिए मान लीजिए कि कुल, अगर मान लीजिए आपके पास सारे के सारे 100 रुपये के नोट हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए आप अपने कमेंट्स में जरूर लिख के जाइए कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि सारे के सारे आपके पास सारे 100 रुपये के सिक्के हैं, अगर मान लीजिए आपके पास सारे के क्या है 100 रुपये वाले हैं, तो आपके टोटल कितना जाएगा 85। ये आपके 100 सारे सिक्के हैं तो नोट कितने हो गए 85। उसके बाद अगर मान ली सारे के 50 के ही सिक्के हैं, 50 के ही रुपए नोट हैं, तो 85 और गुणा 50
जीरो आ जाएगा, 5 5 25 हासिल 2 8 5 40 2 42, ये फिगर आ गई। 100 रुपए के अगर मान लीजिएगा 100 रुपए ही है सारे, तो नोट के हिसाब से 85,000 हो गया और 50 के वाले 4,250 रुपए हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए हम इसको करेंगे कैसे, इसको हम करेंगे एलिगेशन से, एलिगेशन से इसको हम करने वाले हैं। तो देखिए एक तरफ क्या रखेंगे, 100 रुपए वाले सिक्कों की संख्या और एक तरफ रखेंगे 50 रुपए वालों की। तो ये कितने थे, 100 रुपए वाले हो गए 8,500 और ये कितने हैं आपके पास 4,250। तो यहां पे कितना रख देंगे हम, बीच में 5,000 रखते हैं, टोटल नंबर ऑफ आपके पास कितनी क्वांटिटी हो रखते हैं यहां से आप निकाल दीजिएगा। यहां से आ जाएगा आपके पास 3,500 और यहां से कितना आ जाएगा आपके 750। ये काट देते हैं, 5 से काट लेते हैं, ये कट जाएगा 15 बार और ये कट जाएगा 5 से 35 70 बार, ये कट जाएगा 5 से 15 और 5 से कितना बार कट जाएगा, 5 5 और 5 4 20। तो इनका जो अनुपात आ गया ये आ गया 3:14 और हमें टोटल नोट कितने हैं, हमारे पास टोटल नोट है आपके पास 85 नोट्स हैं और आपको 50 वाला चाहिए था और 50 की जो रेशियो वो कितना है 14 और बटे अनुपातिक योग होता है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 17 17 5 85 और 14 5 70। मतलब वो जो नोट थे आपके, वो जो नोट है आपके पास वो 70 नोट है आपके पास, वो आपके पास टोटल नंबर नोट कितने हैं 70 आपके पास नोट है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नो डाउट अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूं कि आपके पास टोटल देखिए, पास 100 रुपए और 50 रुपए के कुल 85 नोट थे। तो मान लीजिएगा सारे नोट कितने थे 100 रुपए के थे, तो अगर सारे नोट 100 के हैं तो 100 रुपए की संख्या कितनी हो जाएगी नोटों की 8,500। अगर आपके पास टोटल ही 50 के हैं तो आपके 4,250 हो जाएगी। तो एक तरफ 8,500, एक तरफ 4,250 और बीच में जिनकी कुल मूल्य कितना है 5,000 है, यहां से आपका माइनस कर दिया। रेशियो कितना आ गया आपके पास, रेशियो आ गया 3:14 का। क्या होता है इसका जो फॉर्मूला होता है, अनुपात बटे होता है अनुपातिक योग, ये फॉर्मूला होता है, वही हमने यहां पे आपका लगाया है, यहां पे आपका वही फॉर्मूला लगाया है। टोटल नोट कितने थे 85 गुणा अनुपात, 50 वाला अनुपात निकालना 14 है, अनुपातिक योग कितना है 14 + 3 = 7 17, 17 से डिवाइड कर दे 70 आपका आंसर आएगा। आई थिंक सो आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए में, शेष का 3/10 भाग खाने पर, शेष का 1/8 भाग यात्रा पर, उसके बाद 1,470 रुपए बचत करता है, वह खाने पर कितना खर्च करता है। या तो आप x मान के कर लीजिएगा कि x का माना हमारे पास कुल वेतन x है, x का 2/5 भाग हमने किराए पे कर दिया, फिर x माइनस एक्स 2x/5 उस तरह से माइनस करके निकाल दिया। एक मैं मेथड बताता हूं आपको कि मान लीजिए हमारे पास कुल धन कितना है, कुल धन हम मान लेते हैं 400 रुपए है, ये हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि हमारे पास कुल धन कितना है 400 रुपए है, उसका अपने वेतन का 2/5 भाग कितना है किराए पर खर्च करता है। तो किराए पर कितना कितना हो जाता है, किराए पर होता है आपका 2/5, तो 400 का 2/5, 5 8 40 और 8 2 16, मतलब 160 रुपए किस पे कर रहा है, किराए पर खत्म कर रहा है, ये खर्च कर रहा है। उसके बाद शेष का, तो शेष कैसे निकालेंगे, 400 में से आप माइनस कर दीजिए कितना 160, यहां से आपका आ जाएगा, यहां आ जाएगा आपका 4 और यहां से 240। मतलब अब क्या करेगा, शेष का 3/भाग खाने पर, तो खाने पर कितना कर रहा है, खाने पर कितना कर रहा है शेष का 240 का कितना 3/10, ये हो गया 4 3 12 यहां से लेक 3 2 6 और 1 7, 72 रुपए किस पे कर रहा है, खाने पर कर रहा है। अब शेष का 1/8 भाग किस पे कर रहा है, यात्रा पर, तो 240 का 72 माइनस कर दीजिएगा, यहां से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहां बच गया आपका 3, ये आपका 6 168 रुपए, 168 रुपए यात्रा 168 का कितना परसेंट 1/8 कर रहा है, तो 8 2 16 और 8 1 8, मतलब 21 रुपए यात्रा पर खर्च कर रहा है। खर्च करने के बाद उसके पास बचा कितना 1,470 रुपए और हमारे पास कितना बचा, इसमें से 168 में 21 फिर घटा दीजिएगा 7 बच गया, यहां से बच के जाएगा आपका 4 और 147, तो कुल बचत कितनी बची है इसमें से, हमारे पास बचा है 147 और ये 147 कब बचा है, जब हमारे पास कुल जो हमारी जो आपके पास वेतन है वो 400 रुपए है। तो फिर जब ये बता रहे हैं कि 1,470 की बचत उसके पास होती है तो कितना होगा, यहां से निकाल देंगे 1,470 बराबर क्या, तो ये हो जाएगा 400 गुणा 100
इतना और बटे 147, यहां से माइनस करेंगे तो ये 10 बार कट जाएगा, मतलब हमारे पास कुल जो वेतन है वो 4,000 है। निकाल दीजिएगा, आप क्या पूछ रहा है भाई, खाने पर कितना खर्च करता है, तो हम कितना खर्च कर रहे हैं खाने पर, 72 रुपये निकाल दे देंगे इस पे। तो 4,000 गुणा 72 और बटे 400 कितना, 10 बार कट जाएगा, तो मतलब आपका जो है ये 720 हो जाएगा। ये आपका कितना हो गया, 720 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो 720 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया? चलो दोबारा मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। देखिए, अगर आप एक्स करके करेंगे तो वहां पे आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, और यहाँ पे मैं ओनली आपको समझाने की वजह से इतना लंबा खिंच गया, वरना 2 सेकंड का सवाल है। हमने मान लिया ये जो नीचे फैक्टर होता है ना, ये वाला फैक्टर 2/5, 3/10 और इधर 1/8, इनका फैक्टर मतलब इस तरह की संख्या लेनी है कि ये इससे डिवाइड हो जाए। तो मान लिया हमारे पास कुल जो वेतन है हमारे पास 400 रुपये है, 400 रुपये का किराए में कितना मकान किराए में 2/5 किया, तो 400 का 2/5 निकाल दिया, 160 आ गया। उसके बाद शेष का तो 400 का 160 माइनस करके हमारे पास 240 आ गया, 240 का 3/10 माइनस किया है तो कितना 72 आ गया, फिर उसमें से माइनस करके 240 में से फिर 72 माइनस किया, 168 आ गया। यात्रा पर कितना क्या है, 1/8 किया है, तो उसका 121 रुपये आया है, फिर 168 में से 21 माइनस किया, हमारे पास कुल बचत जो आई है 147 रुपये आई है। 147 रुपये किसके बराबर है, वो हमने जो माना है 400 रुपये के बराबर है, तो 1470 रुपये का निकालना था। तो यहाँ से हमने इसका कुल क्वांटिटी निकाल दी कि हमारे पास वेतन कितना है, तो वेतन निकल का आया हमारे पास 4,000 रुपये, और उसके बेस पे हमने फिर उसका खाने का निकाल दिया, ये आया हमारे पास 720 रुपये। आई थिंक समझ आ गया होगा, चीजें समझ आ रही होंगी। अगर अभी भी समझ नहीं आ रही तो कमेंट्स करके बता दिए, मैं आपको फिर से एक रिप्लाई करने की अलग से बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, यदि इनमें सिरों की संख्या 48, सिर कितने हैं, सिर है हमारे पास 48, और टांगों की संख्या कितनी है, टांगे कितनी है हमारे पास 140, तो आपको बताना है कि मुर्गी मुर्गी कितनी थी, मुर्गियों की संख्या निकालनी है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास दो तरह से हो सकता है, एक्स और वाई मानकर भी कर सकते हैं हम, वहां से भी निकल जाएगा, और एक हम कर सकते हैं, देखिए ये फॉर्मूला होता है इसका, इसका डायरेक्ट हम सूत्र लगाते हैं कि अगर वो पूछता है कि मुर्गियों की संख्या क्या, मतलब दो पैरों वाले की अगर बात करता है, तो यहां पे हो जाता है 4 गुणा सिर माइनस पैर और डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से निकाल देंगे, तो 4 गुणा सिर कितने हैं हमारे पास 48, और माइनस पैर कितने हैं, टांगे कितने हैं 140 बटे 2, तो इसको माइनस कर लेते हैं, 4 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 चौक 32 हासिल 3, 4 चौक 16 19 माइनस 140 और बटे 2 बराबर, यहां से 2 आ जाएगा, यहां आ जाएगा आपका 5 और बटे 2, ये कितनी बार कट गया आपका 26 बार कट गया, मतलब आपका जो राइट आंसर है वो 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 4 पैरों वाले की बात करेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 पैरों वाले की बात करेगा तो 4 से मल्टीप्लाई करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 27 है, तो बताएं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। एक चीज और बता दूं कि ये जो 27 है ये सम संख्या नहीं है, ये सम संख्या नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं, 6 क्रमागत सम संख्या का औसत, तो मान लीजिएगा इनका सम संख्या का औसत 27, बीच में हम इसको रख लेते हैं। इससे पहले सम संख्या कौन कौन सी आने वाली है, 26 आएगी, 24 आएगी, और क्या आएगी आपकी 22 आएगी। अगर इधर बढ़ते हैं तो आपके पास 28 होगा, 30 होगा, और उसके बाद 32 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये हमने लेनी नहीं है, क्योंकि ये सम संख्या नहीं है, ये सम संख्या नहीं है। 6 का पूछा था तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गई, 3 ये हो गई, 4, 5 और 6, 6 हमारे पास राइट आंसर हो गया, तो हमारे पास 32 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच रखना है, टाइम हमें जो एग्जाम हॉल में वैसे ही 2-4 नंबर यार गलत हो जाते हैं, ए लगाते हैं बी लग जाता है, तो उसको भी मैनेज करते हुए चलना है, तो ये सब कुछ है। चलिए बढ़ते हैं 6 के क्वेश्चन की तरफ। अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के जाइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। 5 संख्या का औसत है आपके पास 18, एक संख्या छोड़ देने पर जो औसत है वो आपका 16 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या बताइए।
तो देखिए, पांच संख्याओं का औसत 18 है, तो पांच संख्याओं का औसत 18 है, 18 × 5 = 90 हो गए। उसके बाद उन्होंने बोला है कि एक संख्या छोड़ दी, तो पांच थी तो चार बची हैं आपके पास, चार संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 4 × कितना हो जाता है, 16 हो जाता है, 16 × 64, यहां से हम निकाल देंगे, यहां से 6 बच जाएगा, और उसके बाद आपके पास यहां से 5 हो गया, यहां हो गया आपके पास 8, तो यहां से इसको माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 6 बच जाएगा, यहां हो गया आपके पास 8, यहां बचेगा आपका 26, ये हो जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास, तो 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, 26 आ गया। मैं दोबारा बताता हूं कि स्टार्टिंग में उसने बोला था कि पांच संख्याओं का औसत जो है आपके पास 18 है, तो 18 × 5 = 90, आपके पास 90 आ गया, ये हमारे पास जो नंबर आया है पहला 90 आ गया। उसके बाद उन्होंने बोला है कि चार संख्याओं का एक संख्या छोड़ दी, तो मतलब पहले चार पांच थी, अब चार हो गई, उनका औसत कितना है, 64 हो गया, माइनस किया 26, आपका राइट आंसर हो जाएगा, 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में कह रहा है कि एक संख्या 45 से उतनी अधिक है, एक संख्या 45 से उतनी अधिक है जितनी 73 से कम संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब एक संख्या 45 से उतनी अधिक है जितनी 73 से कम संख्या ज्ञात कीजिए। अगर मान लीजिए संख्या हमारे पास x है, x है, तो उन्होंने बोला है कि एक संख्या 45 से उतनी अधिक है जितनी कि 73 से कम। अगर मान लीजिए संख्या वो है 100, और 100 45 से उतनी अधिक है, तो इसी तरह से तो लिखेंगे, तभी तो हमारे पास 55 आएगा, क्या यह हम 45 स्टार्टिंग में रख देंगे तो तुम्हारे इसमें आ जाएगा। तो यहीं से हम देखते हैं, x को हम एक तरफ ले लेते हैं और जो संख्या है उसको एक तरफ ले लेते हैं, तो x + x = 73 + 45, 2x = कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 8 और 7 × 4 = 11, डिवाइडेड कर देंगे इससे, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10 और 2 × 7 = 2 × 9 = 18, 59 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 × 5 = 10 और 2 × 9 = 18, 59 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं ये, इस तरह के। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये वाला। दो संख्याओं के वर्गों का योग है 557 तथा गुणनफल कितना है, 266 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये किस तरह से हो सकता है, तो a² + b² = कितना दे रखा है, 557, और मल्टीप्लाई इनका गुणनफल कितना दे रखा है, 266। अब ये भी होता है ना, a + b का होल स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो कितना बन जाता है, a² + b² + 2ab, ab का मान कितना दे रखा है, 557, 557 प्लस के 2 × ab का मान कितना दे रखा है, 266, यहां से निकाल लेंगे आगे, 557 × 6 × 12 = 2, हासिल 1 × 6 = 12 = 13, 2 × 4 = 5, इसको हम ऐड करें, 5 और 2 = 7 और 2 = 9, 5 × 3 = 8 और 5 × 5 = 10, यहां से a + b का होल स्क्वायर ये हमारे पास आया है, तो यहां से a + b आ जाएगा, इसको वर्ग निकाल देंगे हम, किसका वर्ग है, उसके बाद a + b ये आ गया, उसी तरह से a - b का वर्ग निकाल के यही सारे फॉर्मूले लगा के हम a + b का मान निकाल लेंगे, फिर a + b हमारे पास आ जाएगा कुछ, और a - b हमारे पास कुछ आ जाएगा, और यहां से a का मान निकाल लेंगे, एक ab का मान निकाल लेंगे, वो आपके पास आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा लेंथी हो गया, अगर इस सब को हम ना करें, इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, और ये देखें कि क्वेश्चन में ही क्या है, ऑप्शन मेथड से अगर इसको हम घुमाने की कोशिश करें, ऑप्शन मेथड से ही लेते हैं तो हम किस तरह से करेंगे। देखिए इन्होंने बोला है कि दो संख्याओं का वर्गों का योग 557 है, उनका गुणनफल 266 है, क्या इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 266 होगा, 20 × 21 होगा हमारे पास, नहीं होगा, लास्ट में हमारे पास 0 मिलेगा, मतलब लास्ट में हमें 6 चाहिए यहाँ पे, और ये 6 × 5 = 30, ये होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारे पास 2 तो हमने सीधे सीधे ये काट दिए हैं। उसके बाद क्या 17 की और 18 की गुणा कितनी होगी, 266 होगी, नहीं होगी, तो ये भी संख्या कट गई, तो लास्ट में हमारे पास बचा कितना, ये आपका राइट आंसर हो जाता है ऑटोमेटिक, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे 19 ×
14 कितना होता है? 266 होता है, तो ये आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह की अप्रोच रखनी है, टाइम कंज्यूम नहीं करना है, टाइम को मैनेजमेंट करते, क्योंकि वहां पे देखिए वैसे ही बच्चा होपलेस हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं, और अपने जो ग्रुप है आपका वहां पे भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी बच्चे इससे फायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेष बचता है, इसी संख्या को 29 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेना है, डायरेक्ट क्या करना है कि 48 और डिवाइडेड बाय 29, अगर ये नहीं जाता है तो आपस में माइनस कर दीजिएगा, कितना बच जाएगा यहां से? 9 बचेगा और एक 19, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिना कुछ सोचे समझे। इसमें आपको डिवाइड कीजिए, जितनी बार भी जाता है जो बच जाता है उसमें से माइनस कर लीजिएगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 19 आपका राइट आंसर हो गया, कुछ भी देर कुछ भी टाइम कंज्यूम नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, तीन संख्याओं में से पहली व दूसरी संख्याओं का अनुपात 8:9 है, जबकि दूसरी दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल 2400 है तो दूसरी संख्या कितनी है? तीन संख्या है, ए अनुपात बी दे रखा है आपको, 8:9, बी अनुपात सी दे रखा है आपको, 3:4। तो आपको पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, तो यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी हम निकाल देंगे, तो निकाल दीजिएगा। 8 3 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको कर लीजिए और इसको कर लीजिएगा, 8 3 24 का ये आ गया, 9 3 27 ये आ गया, और 9 4 36 ये आपके पास संख्या आ गई है। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, 3 8 24, 3 9 27, ये इतनी बार कट जाएगा। क्या अभी और कटेगा? नहीं कटेगा। ये इतना हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। यदि पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना है? 8 8 9 और 12 का अनुपात आ गया। अब आगे क्या बोल रहे हैं ये? आगे इन्होंने पूछा है कि इसका आपको बताना क्या है कि दूसरी संख्या क्या है, और इनका क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, गुणनफल दे रखा है मतलब ए अनुपात बी दे रखा है। तो 8 मान लीजिए एक्स है, 8 गुणा 9 एक्स बराबर कितना हो जाता है आपका? 2400 रुपये। तो ये आपका पहला और तीसरी संख्या का दे रखा है, पहला और तीसरी ये 12 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना जाएगा? 2400, और डिवाइडेड के वाई 8 गुणा 12 कितनी बार कट जाएगा? 25 बार कट जाएगा, और एक्स का मान कितना आ गया? 5। मतलब ये जो है आपके पास संख्या 5 आ गई। अब यहां से किसी का भी मान निकाल दिए, दूसरी संख्या ये है आपके पास, तो 9 गुणा 5, 9 5 45, मतलब आपका जो राइट आंसर है वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा बता देता हूं कि पहली और दूसरी संख्या का, तीन संख्याएं हैं, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना था? 8:9 है। उसके बाद तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है, यहां से हमने अनुपात निकाल दिया, अनुपात कितना आया? 9:8:9:12 इनका अनुपात आ गया। उसके बाद उन्होंने बोला है पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 रुपये है, तो पहली 8x हो जाएगा और तीसरी कितनी है? 12x का अनुपात जो गुणनफल है वो 2400 रुपये है, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास 25, और एक्स बराबर कितना आ गया हमारे पास? 5। अब यहां से हमने सारे मान निकाल दिए हैं। अगर पहली संख्या का बात करता तो 8 5 40 पहली संख्या हो जाती है हमारे पास 40, और 9 5 45 हो गई हमारे पास दूसरी संख्या, और तीसरी हो जाएगी 12 5 60 आपके पास हो जाएगी तीसरी। तो ये तीन संख्या हमारे पास हो जाएंगी। आई थिंक सो आपको समझ आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है? राम और श्याम की आयु का अनुपात। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है, 5 वर्ष के बाद इनकी आयु। क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको, करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरह के आपने पहले भी क्वेश्चन किए होंगे। देखिए यहां से निकाल देते हैं, राम अनुपात श्याम का अनुपात कितना है? 2:1, ये वर्तमान आयु का रेशियो दे रखा है। उसके बाद 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितना दे रखा है? 3:1। तो
तो 5 वर्ष बाद हो जाएगा। यहां से जब इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास, एक, तो एक बराबर है, तो ये इसकी जो रेशियो आ गया उसका जो आंसर वो आया है वो 5 आ गया है। अब वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, 2:1, यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 10:5, मतलब उसका जो राम का है वो आपकी 10 आयु हो जाएगी और उसके श्याम की कितनी हो जाएगी, 5। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहां से आप नहीं करना चाहते और दूसरी तरह से करना चाहते हैं तो आप यहां एक्स है तो यहां से कितना हो जाएगा, 2x वर्तमान आयु है और प्लस कितनी, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं ना, और यहां से हो जाएगा एक्स प्लस 5 और अनुपात कितना देगा, 3/2। यहां से भी आप अगर मान निकालेंगे तो वही भी वही आएगा, क्योंकि देखिए हमने एक्स मान लिया तो यहां पे कितना है, 2x, तो इसको 2x कर दिया हमने, यहां पे एक्स कर दिया और इसको एक्स मान लिया, तो 2x/x और 5 साल बाद का अनुपात दे रखा है 3:2, तो यहां से निकाल देंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 4x प्लस के 5 × 10 बराबर 3x और प्लस के 5 × 3 = 15। जब इसको इधर उठा के लेके जाएंगे तो 4x - 3x बराबर 15 - 10, x बराबर कितना जाएगा, 5। x का मान आपके पास कितना हो गया, 5 आ गया। अब यहां से आप निकाल सकते हैं, इस वाले रेशियो में आप रख दीजिएगा, यहां से आ जाएगा तो राम की कितनी आ जाएगी, राम का अनुपात कितना है, 2 × 5 = 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और श्याम का कितना रख देंगे आप, 1 × 5 = 5। तो कहीं से भी कर लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगता है मेथड वहां से आप कर सकते हैं, दोनों का आंसर 10 अनुपात 5 आ जाएगा, मतलब राम की आयु आपके 10 आ जाएगी और श्याम की आयु 5 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई है। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, 12वां क्वेश्चन कहता है रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई है, बढ़े हुए वेतन में 20% कर करने पर कम होगा, ये कर नहीं होगा, कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हानि ही होती है, या तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए माना उसकी जो स्टार्टिंग में जो वेतन था 100 रुपये था, उसमें क्या 20% की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया, 120, क्योंकि 20 की वृद्धि कर दी इसमें तो 120 हो गया। उसके बाद बढ़े हुए वेतन में 20% कम कर देने पर, तो बढ़ा हुआ वेतन 120 है और इसमें कितना कम कर दिया है, 80/100, 20 की कमी कर दी हमने, 12 × 8 = 96, 96। तो ये अब आपके पास कमी करने के बाद ये आई है, और स्टार्टिंग में आपके पास 100 था तो कितने की कमी होगी, 4% की आपके पास, तो कितने की, 4% की आपके पास कमी हो गई। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई माइनस के एक्स वाई और अपॉन 100, 20 - 20 माइनस के 20 × 20 और बटे 100, यहां से भी कर सकते हैं, ये इससे कट जाएगा, ये दो जीरो कट गए बराबर 4, माइनस के 4 आपका आ गया, यहां से भी आप कर सकते हैं, या तो इस फॉर्मूले से कर लीजिएगा या आप यहां डायरेक्ट मान के कर लीजिएगा कि माना उसकी जो वेतन था आपका 100 था और उसके बाद आपका कंटिन्यू करते जाइए। कहने का मतलब ये, आपका टाइम बचना चाहिए और आपके ऑप्शन सही होने चाहिए, यहां से आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। एक रेडियो के अंकित मूल्य में, देखिए मैं आपको बिल्कुल भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसा हो जाता है फिर वैसा हो जाता है ये वो इधर उधर की बात नहीं करके मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका टाइम जो है वो ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सकते, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यार आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने ग्रुप से जो है वहां पे शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, आपको कितने के क्वेश्चन आते हैं, और लास्ट में फाइनल स्कोर भी बता के जाइएगा। 13वां क्वेश्चन है, एक वीडियो के अंकित मूल्य पर कितना, 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये हो जाता है, इसका अंकित मूल्य निकालिए। देखिए कटौती हमेशा अंकित मूल्य पर होती है, तो इसका अंकित मूल्य, इसका मूल्य कितना हो जाता है, 4600 रुपये हो जाती है, इसका अंकित मूल्य निकालना है आपको, अंकित मूल्य बराबर क्या, तो 4600 × 100, वो कितने की कटौती करता है, 8% की कटौती करता है, तो कितना हो जाता है ये, 92। अब इसको मैं यहां से काट लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, 4 से कट जाएगा, 2 से काट लेते हैं, 4 से
8, 4 3 12, 4 से कट जाएगा ये 25 बार, और 23 से कट जाएगा ये कितनी बार, 2 बार, 2 बार कट जाएगा ये, तो 25 दूनी 50, मतलब 5,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं फिर बता देता हूं। इसका जो मूल्य है आपका 4600 रुपये है, 4600 रुपये आपका मूल्य हो गया। और कितने की कटौती होती है, अंकित मूल्य में हमेशा कटौती होती है, और बटे 8 की कटौती होती है, तो 100 में से 8 को माइनस कर दिया, कितना आ गया आपके पास 92, 92 हमने नीचे रख दिया है। और ये कितनी बार कट जाएगा आपका डायरेक्ट, 50 बार कट जाएगा, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 5,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये स्क्रीन बार बार परेशान कर रही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 9,680 रुपये है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 98,680 है, तो उसका यहां से निकाल देते हैं मासिक खर्च कितना है, जो उसका खर्च है आपका 9,680 रुपये, और बचत कितनी करता है वो 12%। अब मान लीजिए उसकी टोटल जो है 100 है, 12 की आपकी बचत करता है, तो खर्च कितना करता है, यहां से हो गया 8, मतलब आप 78 रुपये आपका, 88 रुपये आप इसका मतलब बचत करते होंगे, मतलब खर्च करते हैं। जब बचत आप, आपकी कितनी बचत रखी, 12% आप बचत करते हैं, तो मतलब 88 रुपये आप खर्च करते हैं, तो 88 रुपये इसके बराबर है, तो मतलब 88% जो है वो किसके बराबर है, 9,680 के बराबर है। निकाल दीजिए यहाँ पे 9,680 गुणा 100 और बटे 88, कितनी बार चला जाएगा, 11 से काट लें, 11 8 88, 11 8 88, 11 8 88, ये कट जाएगा 11 बार, आपका आ जाएगा 11,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 11,000। मैं दोबारा बता देता हूं कि उसका जो मासिक खर्च कितना था, 9,680 रुपये है गुणा 100, अब वो खर्च है और आपका आय दे रखी है 12%, आप बचत करते हो, मतलब 88% आप खर्च कर रहे हो, तो इसका 88% निकाल दिया, ये कट जाएगा कितना, 11 बार, तो ये आपका 11,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि एक चुनाव में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने है। एक चुनाव, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो कुल मतदाता कितने हो गए, यहां लिख लेते हैं हम कुल मतदाता, क्यों 8 ने नहीं किया, मान लीजिए 100 थे हमारे पास, 8 ने नहीं किया, कितने बचे, 92% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। उसके बाद जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतदाताओं के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया, इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो देखिए इसने 48% लिए हैं, और टोटल हमारे पास कितने थे, 92 थे, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 44% मिले होंगे, जाहिर सी बात है टोटल 92 है, एक को 48 मिले, दूसरे को 44 मिले, इन दोनों को ऐड करके ही तो आपके पास 92 है, और ये 4% किसके बराबर है, ये 1100 के बराबर है, तो यहां से निकाल दीजिए 1100 गुणा 100 और बटे 4, ये कट जाएगा आपका 25 बार, और जब यहां से इसको करेंगे तो 27,500 आपके पास टोटल जाएगा, 27,500 आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा समझा देता हूं कि देखिए एक चुनाव में 8% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 8% नहीं किया, 100 हमारे पास टोटल है, तो 100 में से 8 माइनस कर दिया, 92 आ गया। उसके बाद आपके एक बंदे ने 48% लिए, तो दूसरे ने कितने होंगे, 92 टोटल थे, 92 में से 48 माइनस कर दिया, 44 आ गए। अब हमारे पास ये आ गए, और इनका डिफरेंसेस कितना दे रखा है, 1100 के बराबर है, तो 4 बराबर 1100 के कर दिया, वहां से हमारे पास आंसर आ गया है।
क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, देखिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है बच्चे वीडियो बनाने में, तो दोस्तों यार शेयर कर देना वीडियो। एक नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है, 6 लीटर घोल में 5% नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल में से 1%, 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और ये एलिगेशन से भी हो जाएगा, कई तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। अगर हम ऐसी ही बात करें, 6 लीटर घोल में, 6 लीटर घोल है आपके पास, इसको हटा देते हैं, 6 लीटर घोल है, इसमें 5% नमक है। उसके बाद वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिया जाता है, 1 लीटर पानी निकाल दिया जाता है, तो 6 था पहले, अब कितना बचा है 5, और कितना हो जाता है x%, इसमें मान लिया नमक रह जाता है, तो ये कट जाएगा इससे, परसेंटेज से परसेंटेज, और x बराबर आ गया 6। ये कुछ नहीं करना, बिल्कुल सीधा सा है, और ये आपका 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, 6 आंसर हो जाएगा। देखिए मैं दोबारा समझा देता हूँ, 6 लीटर क्या है आपके पास घोल है, उसमें 5% क्या है आपके पास नमक है, उसके बाद 1 लीटर जो है आपका जो है बॉस के थ्रू उड़ गया, 5 था 1 लीटर उड़ गया, 5 बच गया, और कितना परसेंट चाहिए नमक आपको परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 से 5 कट गया, और एक्स बराबर कितना आ गया 6, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है, यदि 20% लड़के तथा 30% लड़के छात्रवृत्ति लेने वाले हों, तो छात्रवृत्ति न लेने वालों की संख्या आपको बताना है, लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। देखिए यहां पे देखिए, अगर मैं इसको टोटल 500 मान लेता हूं, ये आपको मान लेता हूं कि हमारे पास टोटल कितने विद्यार्थी है, 500 विद्यार्थी है, तो कुल संख्या कितनी है लड़कों लड़कियों की, कुल है हमारे पास 500, इसमें लड़के कितने हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे आपके पास 300 और लड़कियां 200, ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं। यदि अनुपात, उसके बाद यदि यहां पे दिया हुआ, यदि 20% लड़के और 30% लड़के छात्रवृत्ति लेने वाले हों, तो छात्रवृत्ति ना, देखिए इसका टोटल 100% होता है, 20% लड़के नहीं ले रहे हैं, तो लेने वाले कितने हैं 80%, तो लड़के लड़के हैं कितने 300 का 80% यहां से आप निकाल दीजिएगा, 8 या 24, मतलब 240 लड़के ले रहे हैं, और लड़के कितनी हो जाएंगी 30% नहीं लेने वाले हैं, 30% लेने वाले हैं, तो नहीं लेने वाले कितने 70%, और लड़के हैं कितनी 200, 200 का 70% निकाल दीजिएगा यहां से, 7 × 14 140। अब हमारे पास ना लेने वाले मिल गए, हमारे पास 240 तो है हमारे पास लड़के और 140 है लड़कियां, अब प्रतिशत निकाल दीजिएगा, ये कितना होगा 140, ये हो गया 0, 8, 300, तो 380 × 100 बट्टे टोटल कितना था हमारे पास 500 था, ये कट जाएगा, 5 × 7 = 35 और 5 × 6 = 30, मतलब 76% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने छात्रवृत्ति नहीं ली है। आए समझ में, हमने देखे एक्स वैक्स नहीं माना है, हमने इसी रेशियो को मान लिया कि भाई 200 लड़के जो हैं, 200 लड़के हैं और 300 लड़कियां हैं, अब 20% लड़के जो हैं वो छात्रवृत्ति लेते हैं और 30% लड़कियां ले रही हैं, तो उनका उल्टा कर दिया, अगर 20% लेने वाले हैं तो इसका मतलब 80% नहीं लेने वाले हैं, तो नहीं लेने वालों के लड़के हो गए आपके पास 240 और लड़कियां हो गई 140, दोनों का योग करके कितना हो गया हमारे पास टोटल जो नंबर आया है, जो नहीं ले रहे हैं वो आपके पास 380 का आ गया। प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत हमने 500 के हिसाब से निकाल दिया, यहाँ पे कितना आ गया आपका पास 76 आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यदि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। हमेशा इस तरह के जो जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमेशा उल्टा कर देते हैं, क्रय मूल्य जो होता है उसको हम विक्रय मूल्य बना देते हैं और विक्रय मूल्य को हमेशा हम क्रय मूल्य बना देते हैं, उसको हम विक्रय मूल्य बना देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना है 15 − 12, ये 12 हो जाएगा, तो डिफरेंस कितने का आ गया 3 × 100 और बटे 12,
3 चौक 12, 4 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार, मतलब 25 आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा बताना पड़ेगा, चलो दोबारा बता देता हूँ एक बार मैं, वरना ऑप्शन नंबर सी डी आपका सही है। देखिए हमेशा क्या गया है, जो क्रय मूल्य है उसको विक्रय मूल्य बता दिया है और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य। तो आपका 15 में से 12 माइनस कर दिया है तो कितना आ गया, 3 आ गया है। डिवाइडेड बाई कितना कर दिया है हमने, 12, 12 और गुणा 100, यहां से आ जाएगा 3 से कट जाएगा 4 बार और 4 से कट जाएगा ये 25 बार, और 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो देखिए किस तरह से करेंगे, ये क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तो कितना हो गया, ये 120 रुपये, 20% अधिक करा तो 120 हो गया। 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है तो कितना होगा, 90, और डिवाइडेड बाई 100, कुछ नहीं करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आपके ये, और 12 नंबर 108, 108 स्टार्टिंग में आपका सामान 100 रुपये मान लेते हैं, तो 100 में से जब 8 घटाएं, 108 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8%, 8%, तो ये उसका लाभ होगा। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 8%। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 में है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपये है, दो क्रमागत बट्टे देने के बाद उसका मूल्य 432 रुपये हो जाता है, यदि दूसरा बट्टा 10% है तो पहला बट्टा क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है, कमेंट्स करके बताएंगे कि आपका क्या आंसर आया है। चलिए करते हैं इसको, इसका जो आपका दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, कमीज का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है, 600 रुपये, अंकित मूल्य 600 रुपये है, क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य हो जाता है, तो पहला बट्टा मान लेते हैं हम एक्स है, और दूसरा बट्टा कितना है, 10% का है तो ये 90 हो जाएगा, और ये कर देते हैं हम 100 और डिवाइडेड बाई 100। एक चीज ध्यान रखना, या तो इसको एक्स माइनस 100 कर सकते हैं, एक्स माइनस 100 माइनस एक्स, सॉरी या तो इसको हम कर सकते हैं क्या, देखिए इसको भी हमने माइनस किया, 10% का बट्टा दिया तो 90 कर दिया, तो इसको जो भी है एक्स माइनस ये हमें तक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी 100 में से माइनस नहीं किया है, तो इसको हम बाद में कर लेंगे। यहां से निकल के कितना आता है आपका, 332 हो जाता है। अब इसको माइनस कर लेते हैं, यहां से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा इससे, तो यहां से बच जाएगा 6x गुणा 9 बराबर 4 3 2 और गुणा 10, ये वाला 10 जो ये उठा के इधर ले लिया हमने। अब इसको काट लेंगे, 9 से कट जाएगा, काट कर देख लेते हैं, 9 चौक 36 और 9 अट्ठे 72, ठीक है, 6 अट्ठे 48, एक्स बराबर कितना आ गया आपका, 80। तो मैंने क्या बोला था, जो भी एक्स निकल के आएगा उसको आपको 100 में से माइनस करना होगा यहां से, तो एक्स बराबर 80 में से जब हम 100 माइनस करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा, और यही आपका आंसर होने वाला है। तो यही आपका आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 20, आपका क्वेश्चन नंबर 20 का 20 आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बताया, 600 रुपये उसका अंकित मूल्य है, एक्स उसका प्रथम बट्टा हो गया, दूसरा बट्टा आपका 10% का, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे 90 हो गया, आपका अपने यहाँ पे नीचे परसेंटेज निकाल दे, और बराबर किसके कर दिया, 432 रुपये के। यहां से जब एक्स का मान निकाला तो हमने 80 आ गया, और ये क्योंकि बट्टा था तो 100 में से इसको हमने माइनस कर दिया, कितना आ गया आपका, 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आई थिंक सो समझ आ रही होंगी चीजें, अब आप अच्छे से कर लेंगे। ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां से क्या करेंगे, तो ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 5:9, बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 6:11, तो आपको क्या बताना है, ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यहां से करते हैं या यहां से करते हैं, इस तरह से हम ये बनाते हैं एरो, अगर आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है तो कर लेते हैं, 6×5=30, अनुपात 9×54, अनुपात 11×9=99 है कोई सा, काट लेते हैं इसको, आई थिंक सो कट जाएगा,
ये 10 बार कटेगा, उसके बाद ये 3 और 3 8 24, 3 से कट जाएगा 11 बार, मतलब 10:18 आपका 11, 3 से कट जाएगा 3 3 9 3 3 9 33 बार, 33 बार 10:18:33 है, 10:18:33 ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 5 की 6 की गुणा कर दी, 9 की 6 की गुणा कर दी और 11 की और 9 की गुणा कर दी तो 30 54 99 आ गया, 3 से डिवाइड कर लिया, 10:18:33 इसका राइट आंसर हो गया। 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है, 846 जी हाँ 846 रुपए को ऐसे दो भागों में व्यक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग द्वितीय भाग का 8वें भाग का जो अनुपात है 3:4 के अनुपात में हो। देखते हैं पहले भाग का कितना, 5वां भाग, उसके बाद दूसरे भाग का कितना, 8वां भाग, कितना होना चाहिए 3/4 के भाग में होना चाहिए। देखिए ये जो भाग में है ये जो आपके आपस में भाग में है तो जब इनको ऊपर लेके जाएंगे तो गुणा में पहुंच जाएगा, गुणा ये किस तरह से होगा 8/b बराबर 3:4, सही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो a अनुपात b बराबर आ जाएगा 5 × 3/8 × 4, ये जो है आपका इसको हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी यहां से मल्टीप्लाई कर दिया है तो a बटे b कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 × 3 = 15 और बटे 8 × 4 = 32, ये अनुपात हमारे पास मिल गया है। और इनका भाग कितना है, हमें कितने करने हैं, टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है 846, तो अनुपात बटे अनुपातिक योग कर देते हैं, वहां से हमारे पास मिल जाएगा 846 गुणा पहला है हमारे पास 15 और बटे अनुपातिक योग कितना हो जाएगा इसका, इनको जोड़ लेते हैं 5 2 7 3 और 1 4 47 हो गया, इसको जब डिवाइड करेंगे उसके बाद यहां से हमारे पास मिल जाएगा। तो एक तो आ जाएगा आपके पास 270, एक बार हमने यहां से 15 रखा और एक बार हम क्या रख देंगे 32 रख देंगे, तो दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास 576, तो ये दो आपके पास आ जाएगा, एक आ जाएगा आपके पास 270 और दूसरा जो आ जाएगा आपके पास 576, तो 270 और 576 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट कर सकते हैं, वहां से हम आपको क्लियर कर देंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात बताइए। दो संख्याओं का अंतर है a - b, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का a + b का कितना है 45% है, यहां से निकाल देंगे, अनुपात पूछ रहा है ये, 5 से काट लीजिएगा, 5 × 45 और 5 से कट जाएगा 20 बार, तो ये हो जाएगा आपका 20 a - b बराबर 9 a + b, गुणा कर लीजिएगा 20 a - 20 b बराबर 9 a + 9 b, इसको उठा के ले जाएंगे इधर और b को एक तरफ ले लेंगे और a को एक तरफ, तो 20 a - 9 a बराबर 9 b और प्लस के 20 b, यहां से कितना बच जाएगा आपका दोस्तों, यहां से बच जाएगा आपका 11 a बराबर यहां से बच जाएगा 29 b, तो a अनुपात जब b हम निकालेंगे तो यहां से बच जाएगा 29 और बटे कितना बच जाएगा 11, तो यही आपका आंसर होने वाला है 29:11, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है, एक व्यक्ति के बचत और खर्च का अनुपात दे रखा है 26 और 3, यदि उसकी मासिक आय ये दे रखी है 7250 रुपए, तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी, मासिक आय दे रखी है तो मासिक आय क्या होती है, खर्च और प्लस बचत, यही तो यहीं से तो बचेगी, ये आपके किसके बराबर है 7250 और ये कितना दे रखा है 26 और प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 7250, 29 कितना हो जाएगा 29 बराबर किसके हो जाएगा 7250
50 के, जिससे बिल्कुल कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा आपको 250 बार, 250 बार कट जाएगा। और पूछ कर रहे हैं मासिक बचत कितनी है, तो बचत का अनुपात कितना दे रखा है, 3 का दे रखा है, तो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 3 से, कितना जाएगा 25 तिया 75, 25 तिया 75 मतलब 750, 750 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है नहीं है, शायद गलत लिख दिए होंगे, ये हो जाएगा 750, 750 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि यार मोटिवेट कीजिए, इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य पर भी बेचने पर 20% का लाभ हो। दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी बेचने पर 20% का लाभ हो। करने को तो बहुत तरह से कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं सिंपल सा बढ़िया मेथड बताना चाहूंगा कि देखिए तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बहुत इजी सवाल है, बहुत अच्छे से हम बता सकते हैं। देखिए इसको कुछ नहीं करना, 100 के बराबर कर देना है, परसेंटेज हमेशा 100 में निकलता है, 100 के बराबर कर देना है, 100 बराबर 20 के, अगर 20% का लाभ होता है तो 20 × 100 5:1, यही इसका आंसर होगा, और इतना से ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आ गया है आपका आंसर। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो पंकज फौजी स्टडी ग्रुप, आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपको लेटेस्ट वैकेंसी या अदर वेरियस आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से बढ़ाते रहते हैं। तो पंकज फौजी स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो आपको अदर ग्रुप में भी फैला सकते हैं, जिससे कि दूसरे जो बच्चे हैं उसको भी जानकारी मिले। तो आपको 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं वो भी जरूर बताइए, जिससे कि आपको हमें पता चल सके, हमारे व्यूवर जो हैं, हाँ वो जो बच्चे देख रहे हैं उनका क्या स्कोर चल रहा है। तो ये सब कुछ था, मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा।